प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 28 अगस्त 2021 शनिवार का दिन है, भरणी नक्षत्र है, चंद्रमा मेष राशि में है, भाद्रपद माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज के नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। और दर्शकों, आज एक विशेष दिन भी है, आज बलराम जयंती है। आप सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की आज जयंती है और आज का दिन भी विशेष है। चंद्रमा का नक्षत्र से संबंध यदि हम देखें तो अपने से अष्टम का बन रहा है, दिन शुभ है। ऐसे में हमें एक उपाय अवश्य करना चाहिए, यदि हमारे बड़े भाई हैं तो उन्हें आज उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज बलराम जयंती है और बड़े भाई को सम्मान देने का समय है। इसीलिए ये कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। अगर बड़े भाई हमारे नहीं है तो कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसे हम अपने बड़े भाई के समान मानते हैं उनके चरण स्पर्श करके हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आज ये उपाय हमें अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, शनिवार का दिन भी है, शुक्र का नक्षत्र भी है। ऐसे में आज के दिन किसी गरीब को भी अपने घर से कुछ खाने के लिए अवश्य दीजिए। मात्र आज इतना सा ही उपाय आपको करना है। दर्शकों, आज के लग्न फल को आरंभ करते हैं। आज के लग्न फल में सबसे पहले लेते हैं मेष लग्न। दर्शकों, मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक मजबूती का है, विचारों की अधिकता रहेगी, आत्मबल बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी अवश्य आएंगी। लेकिन आज वो अपने आत्मबल के आधार पर अपनी हर परेशानी को दूर करके अपने आज के दिन को अपने लिए योग्य बनाने की ताकत जरूर रखते हैं। ऐसे में घर से निकलते समय ओम नमः शिवाय का 5 बार मंत्र जाप करके फिर घर से निकलिए। आपकी आज की हर बाधा भी दूर होगी और आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन संतान पर कुछ खर्च करने का है, यानी संतान की इच्छा पूर्ति के लिए आज आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। मन खुश रहेगा, बुद्धि में सकारात्मक विचार रहेंगे, कुछ बड़ी योजनाओं को करने का मन करेगा, संकीर्ण मानसिकता आपकी नहीं रहेगी, लेकिन खर्च अधिक होगा और खर्च संतान पर होगा या किसी ऐसे कार्य पर होगा जो कार्य आप काफी समय से करने जा रहे थे और जिसकी योजना आपने अपने दिमाग में बहुत लंबे समय से बना रखी थी, उसी पर आज आप खर्च करने वाले हैं। आज का दिन आपका शुभ रहे उसके लिए 2 बार ओम श्री शुक्र देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके फिर अपने घर से निकलिए। आपका दिन शुभ होगा। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के जातकों के लिए आज का दिन घर परिवार में मौज मस्ती में बीतेगा, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा। अपनी माता के चरण स्पर्श करके आज उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए और आज का दिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने का नहीं बल्कि अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने का है। इसलिए आज का दिन आप अपने परिवार को दीजिए, आपके जीवन में सुख संपत्ति के अंदर वृद्धि भी अवश्य होगी। बस इतना सा आज मात्र आपको करना है। दर्शकों, बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के जातकों के लिए आज का दिन शुभ है, कार्य क्षेत्र के अंदर व्यस्त रहेंगे, अपने कार्यों के अंदर कार्य की अधिकता भी रहेगी, कार्यों को पूर्ण करने में आप सक्षम भी रहेंगे, किसी बड़े कार्य को भी आज पूरा करने का प्रयास आप अवश्य करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके द्वारा आपको किसी बड़े लाभ की प्राप्ति की उम्मीद भी है। आज का दिन आपका शुभ रहेगा, आपकी कार्यशैली अच्छी रहेगी, ब्रॉडवे में आप सोचेंगे, संकीर्ण मानसिकता आपकी नहीं होगी, चाहे 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च करना पड़े लेकिन आप हर कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास आज के दिन अवश्य करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, ऐसे में आज
भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके फिर अपने कार्य की शुरुआत कीजिए, आज का दिन शुभ होगा। दर्शकों, बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के जातकों के लिए आज का दिन अपने पिता को लेकर के थोड़ी सी चिंता का रहेगा। पिता के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। भाग्य के भरोसे आज कार्य ना करें, लेकिन परिवार के अंदर माहौल अच्छा रहेगा, परिवार के संग समय बीतेगा, धन आगमन की भी संभावना बनती है। वाणी का प्रयोग भी आज आप संयमित तरीके से करेंगे। किसी भी बात को कहने से पहले आप दो बार जरूर सोचेंगे कि क्या आज मुझे बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। यानी आज के दिन आप अपनी भाषा का सर्वोत्तम प्रयोग करेंगे, अपनी वाणी का सर्वोत्तम प्रयोग करेंगे, और जिसके कारण से ही आज आपके सभी कार्य भी सिद्ध होंगे। आज आप अपनी वाक चातुर्य के कारण से ही अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने में सफल भी होंगे। आज घर से निकलते समय इत्र या परफ्यूम का प्रयोग भी अवश्य करिए, आपका दिन शुभ होगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न वाले जातकों के आज दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जो उन्हें किसी बड़ी चीज की खरीदारी करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन आज के दिन खरीदारी से अपने आप को बचाना है, क्योंकि आज का दिन अनावश्यक खरीदारी करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। इसीलिए आज के दिन शॉपिंग यदि करने जा रहे हैं तो उसे स्थगित रखें। और एक चीज का ध्यान रखें, आज थोड़ा सा आपका आत्मबल यानी आपका मनोबल थोड़ा सा कमजोर रहेगा। ऐसे में एक चीज का ध्यान रखें, घर के अंदर ही 2 मिनट ओम श्री शुक्र देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और फिर अपने आज के दिन की शुरुआत करें। आपका मनोबल भी बढ़ा हुआ रहेगा और आज का दिन आपका शुभ भी होगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पत्नी के लिए कोई उपहार यदि आप लेना चाहते हैं तो आज के दिन आप लीजिए, आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। खर्च की अधिकता हो सकती है, कोई महंगी चीजें, लग्जरियस चीजें या कोई ब्रांडेड चीजें आज आप खरीदेंगे। खर्च की अधिकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का किया हुआ खर्च आपका आपको शुभ फल देगा। आज के दिन दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, यानी पत्नी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। पति या पत्नी अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप लोगों के संबंध मधुर रहेंगे और मन आज प्रसन्न रहेगा। इसीलिए आज के दिन का सर्वोत्तम प्रयोग कीजिए। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आज हर परेशानी पर विजय प्राप्त करने का दिन है। आज आप अपनी हर परेशानी को दूर करके अपने काम में सफलता प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे। प्रायोगिक परीक्षाएं यदि आप कोई दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके कोई हैं, तो उसमें भी आपको आज सफलता मिले इसकी संभावना बनती है। लेकिन आज पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगेगा, यानी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो तो अच्छा होगा, लेकिन यदि आप घर बैठ करके किसी की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो वहां पर आज आपका मन थोड़ा डिस्टर्ब जरूर होगा, क्योंकि आज आपका मन पढ़ने का नहीं बल्कि कहीं बाहर घूम के आने का करेगा। ऐसे में एक चीज को ध्यान रखिए, आज अपना पूरा ध्यान अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर लगाइए, अपने अधूरे काम को पूरा करने पर लगाइए। घूमना फिरना, मौज मस्ती हम किसी और दिन भी कर सकते हैं, इसलिए आज का दिन लक्ष्य को हासिल करने का है, ना कि आज के दिन को ऐश आराम में बिताने का है। इसलिए पूरा फोकस होकर के आज के दिन का सदुपयोग कीजिए, आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल भी अवश्य प्राप्त होगा। बात करते हैं दर्शकों धनु लग्न की। धनु लग्न के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ी सी चिंता देने वाला है। मन में अनजाना सा भय बना रहेगा, विचारों की अधिकता रहेगी, कार्य क्षेत्र में भी हमारा काम ठीक नहीं रहेगा, ध्यान हमारा कहीं और होगा और कार्य हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसा हम रोज करते हैं। इसीलिए आज आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने कार्य पर पूर्ण ध्यान दीजिए, मस्तिष्क में फालतू के विचारों को जगह मत दीजिए। ओवरथिंकिंग से आज आपको बचना है, किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, और घर से निकलते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके फिर आज दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन ठीक रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के जातकों के लिए आज भाग्योदय का दिन है,
भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के भरोसे जो कार्य आप करना चाहते हैं वो आपके पूर्ण होंगे। हर कार्य को बेहतर ढंग से करने की प्रवृत्ति आज आपकी रहेगी, लेकिन माता के संदर्भ में कुछ परेशानी आपको महसूस हो सकती है। अतः माता का ध्यान रखें और आज 2 मिनट अपनी माता से बातचीत करके उनका आशीर्वाद लेके अपने घर से निकलें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन गहरे चिंतन मनन करने का है। अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ना है, कार्य को सुचारू रूप से करना है, किसी तरह की लापरवाही हमारे कार्य में ना हो इसका ध्यान रखना है, और आज का समय सादगी से व्यतीत करने का है। सादगी से यदि आज आप रहेंगे तो आपको आपके किसी भी कार्य में बाधा भी नहीं आएगी और चल रही बाधाएं दूर होंगी और आप अपने कार्य को प्रभावी ढंग से कर पाएंगे, यदि आप अपने कार्य को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करेंगे तो। दर्शकों, आज के लिए आपको क्या करना है, मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। ओम श्री शुक्र देवाय नमः इस मंत्र का 5 बार जाप करके फिर आज दिन की शुरुआत कीजिए, आपका आज का दिन शुभ होगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के जातकों के लिए आज का दिन शुभ है, धन लाभ होने की संभावना बनेगी, परिवार के अंदर माहौल सुखद रहेगा, यूरिन से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, ऐसे में आज अधिक जल का सेवन कीजिए ताकि किसी भी तरह की कोई यूरिन से संबंधित परेशानी आपको ना आए। और एक चीज का ध्यान रखिए, आज के दिन इत्र का प्रयोग ना करें। इत्र या सुगंधी का प्रयोग यदि आज नहीं करेंगे तो आज का दिन आपका शुभ भी होगा, धन लाभ भी होगा और परिवार के साथ मौज मस्ती में दिन भी व्यतीत होगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने आज आपको सभी जातकों का लग्नफल दिया है, इसी के आधार पर आज आपको अपना दिन व्यतीत होता हुआ नजर आएगा। अगले वीडियो में दर्शकों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।